हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कल्पना फैमिली ब्लॉग को और मैं हूं आपके साथ कल्पना सिंह। मेरा ब्लॉगिंग का चैनल है, आप लोग जानते ही होंगे, पर आज कोई ब्लॉग नहीं है, कोई रूटीन नहीं है। माई टाइटल आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करना चाहती हूँ। जी हाँ, मैं अयांश के बारे में बात करना चाहती हूँ। आप में से बहुत लोगों को पता होगा और बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो एक मिनट वीडियो कट मत कीजिए, कम से कम अयांश से तो मिल लीजिए आप पहले। आप लोगों ने देख ही लिया है, इनकी उम्र 10 महीने है और ये गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इनके पिता का नाम आलोक सिंह और माता का नाम नेहा सिंह है। ये बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं और इनके इलाज के लिए हमें 16 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, जो कि अमेरिका से एक इंजेक्शन आना है। तो आप समझ सकते हैं कि 16 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम होती है। हम मिडिल क्लास में रहने वाले लोग तो इस रकम को गिनने में ही 5 मिनट लगा देंगे, तो इसे इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है। पर इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि 16 करोड़ रुपए इकट्ठे ना किए जा सकें। हमारे हिंदुस्तान की आबादी 121 करोड़ है, अगर उसमें से हम एक एक रुपये इकट्ठा करें, चीज़ नहीं है, चंद घंटों में ये रुपये इकट्ठे किए जा सकते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि हर इंसान के अंदर इंसानियत नहीं होती है। हम में से कुछ लोग हैं जो इस बात को नकार देंगे, कह देंगे ये फ्रॉड है, मुंह से पुड़िया पान या नशे के पीछे बहुत पैसे बर्बाद करते हैं। अगर हमारा 1 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये किसी की जान बचा सकता है, तो हमें इस चीज़ में ज़रूर सहयोग करना चाहिए। और आप मेरे वीडियो से बहुत दिन से जुड़े हुए हैं या फिर न्यू हैं, तब भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अयांश को बचाने में हेल्प कीजिए। आपके पास जो भी पैसे हैं, यथाशक्ति आप मदद कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप को मैं प्रेशर कर रही हूँ कि आप 100 दीजिए, 500 दीजिए, 1000 दीजिए। जो भी आपकी शक्ति है, जितना भी आप दे सकते हैं, मेरे हिसाब से 1 रुपये हर इंसान दे सकता है, क्योंकि जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं वो 1 रुपये से भी ज़्यादा हैं। तो 1 रुपये इंसान तो कमाता ही है, तो हमें अगर थोड़ा बहुत दान करने का मौका मिला है तो हमें इसके पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारे जीवन में जब परेशानियाँ आती हैं तो हम लोग सोचते हैं काश भगवान जैसी पावर हमारे पास भी होती तो हम ये करते वो करते, तो ये समझ लीजिए कि हमें भगवान बनने का मौका मिल रहा है। जब किसी की मुसीबत में हम उसकी हेल्प करते हैं तो उसके जीवन में हम भगवान जैसी ही महत्ता प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान बनने का मौका मत छोड़िए और अयांश को बचाइए, उस मासूम की जान को बचाइए। उन माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिनको पता है कि हमारा बच्चा कितने दिनों का मेहमान है, कितनी बड़ी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। आपको बता दूँ, जब मेरे सम्राट 2 साल के थे तब छत से गिर गए थे, उस समय मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी हालत कैसी हो गई थी। बस हर पल यही मिन्नतें कर रहे थे कि किसी तरह से कोई भी हमारे बच्चे की सुरक्षा कर ले, रक्षा कर ले, मैं ज़िंदगी भर उसको भगवान बनाकर पूजूंगी। तो ये सोचिए कि अयांश के जो माँ बाप हैं इस समय, उनकी मनास्थिति क्या होगी, कैसे वो जीते होंगे, जानते हुए हैं कि कल हमारे बच्चे को ये होगा, इतनी बड़ी बीमारी है, तो ऐसे में वो कैसे अपने दिन और रात को निकालते होंगे। हम लोग अक्सर परेशान रहते हैं कि हम भविष्य जाने, अपना फ्यूचर जाने, लेकिन जान लीजिए कि फ्यूचर जानने का क्या नतीजा होता है। अगर इंसान को पता चल जाए कि इंसान कल जाने वाला है, कल मरने वाला है, तो उसका जो आज का जीवन है ना, वो किसी मौत से बढ़कर बदतर हो जाएगा। तो बस कहने का मतलब ये है कि आप लोग बस ईश्वर से प्रार्थना कीजिए और आपसे जो हो सके सहयोग कीजिए अयांश को बचाने में। ये मत सोचिए कि आपका 1 रुपया बर्बाद हो रहा है। आपका जीवन जो है, ज़िंदगी भर कमाते हैं, लेकिन कभी भी आप ये नहीं सोच पाते कि हम पैसे का यूज़ सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। लेकिन आपका 1 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया जो भी आप कर सकते हैं, ये समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं। और छोटा छोटा जो होता है ना, कहते हैं कि छोटी सी मदद बहुत बड़ा काम करती है। अब ये सोचिए कि हमारे 1 रुपये से कुछ नहीं होगा, लेकिन जब 4 जगह से 1-1 रुपये, 10-10 रुपये इकट्ठा होगा, तो एक बहुत बड़ी रकम बनेगी। कहते हैं ना, तिनके तिनके से चिड़िया जो है एक घोंसला बनाकर तैयार कर लेती है। तो हम लोग तो इंसान हैं, हम लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी ताकत को पहचानिए और इस अयांश को बचाने की मुहिम को एक नया रूप दीजिए, एक आंदोलन बना दीजिए। वो कभी सरकारी कर्मचारियों से भी मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनको कहीं से भी अभी मदद नहीं मिली है। लगभग 6-7 करोड़ रुपये इकट्ठा हो चुके हैं और अभी समथिंग इतना ही पैसा इकट्ठा करना है इन्हें, तो अभी भी हम लोगों की मदद की ज़रूरत है उन्हें। आप लोग प्लीज़ जागिए और पहचानिए कि हम एक इंसान हैं और इंसानियत के नाते हर इंसान से हमारा इंसानियत का रिश्ता है। तो इस वजह से उस बच्चे में भी अपने बच्चे को देखिए। अगर हम माँ बाप हैं, आप गाड़ी की आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हाईवे है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। तो अगर हम एक माँ बाप हैं तो बच्ची के दर्द को, बच्ची के सुख दुख को अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम आलोक सिंह से और नेहा सिंह से अपने आप को रिलेट करके देखें तो पाएंगे कि अगर हमारे बच्चे को ऐसा कुछ होता है तो हमारी उस समय स्थिति क्या होगी। हम हर तरफ एक उम्मीद भरी नज़र से देखेंगे। तो आप लोगों से विनती है कि आप प्लीज़ जहाँ भी, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। कम से कम
एक से दस लोगों तक ये न्यूज़ पहुंचेगी तो हो सकता है उसमें से दस में से दो लोगों को तो लगे कि हमें मदद करनी चाहिए। तो इस हिसाब से अयांश की बहुत बड़ी मदद हो जाएगी और मैं आप लोगों को बार बार यही बोलूँगी कि आपसे जो हो सके आप उतनी मदद कीजिए। कोई प्रेशर नहीं है कि आप बहुत बड़ी रकम दीजिए, जितना भी हो सके आप उतनी मदद कीजिए, लेकिन हाँ ये सोचिए कि हमें मदद करना है। जगाइए अपने आप को और बस खड़े होइए। मैं तो वीडियो बनाकर चली जाऊंगी लेकिन आपका ज़मीर आपको हर पल जलाएगा कि हमें अयांश को बचाना है। और जब वो कभी बड़ा होगा, मुस्कुराएगा, तो आप फक्र करेंगे अपने आप पर कि ये वही बच्चा है जिसको बचाने में हमने भी सहयोग किया था। आपको पता होगा, आप रामायण पढ़े होंगे, बेसिकली पढ़े होंगे, क्योंकि अगर हम लोग हिंदू हैं तो रामायण के बारे में हम सभी जानते हैं। तो जब राम सेतु बन रहा था उस समय एक गिलहरी थी जो बार बार बालू की रेत में उलट पलट करके और सागर जी में नहा रही थी, समुद्र में, जहाँ पर राम सेतु बनाना था। तो काफ़ी देर से एक वानर ये चीज़ देख रहा था, तो उसने पूछा कि आप ये क्या कर रही हो। तो उसने बोला कि मैं राम सेतु बनवाने में श्री राम जी का सहयोग कर रही हूँ। तो वो बहुत तेज हंसा, कहा कि तुम्हारे इस छोटे से सहयोग का क्या होगा, राम सेतु इससे नहीं बनने वाला। उसने कहा मैं जानती हूँ मेरे इस सहयोग से राम जी का सेतु नहीं बनेगा, लेकिन जब राम सेतु बनकर तैयार होगा तो मैं भी हाथ उठाकर खड़ी होऊंगी और कहूंगी मैंने भी इसमें सहयोग किया है। तो अक्सर हम लोग क्या काम तो करती हैं, साथ में हम ये भी चाहते हैं कि हमारा नाम भी हो, तो कम से कम आप अपने खुद से नाम कीजिए। कहते हैं दिखावे से इंसान प्रसन्न होते हैं पर अच्छी नीयत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। हम सबके आसपास कोई ना कोई परेशानी जुड़ी हुई है, तो ये मन में सोचिए कि कर भला तो हो भला, जब हम अच्छा काम करेंगे तो कहीं ना कहीं ईश्वर हमें हमारे साथ भी अच्छा करेगा। बस इसी उम्मीद के साथ मैंने ये वीडियो बनाया है और आशा करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो की बातों को इग्नोर नहीं करेंगे। आप जरा भी मुझसे प्रेरित हैं, मेरी बातों से आप सहमत हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक थम्स अप का निशान तो छोड़कर ही जाइएगा। इससे मुझे लगेगा कि आप लोग सचमुच मेरी बातों को सीरियस ले रहे हैं और अयांश के जीवन के प्रति सजग हैं, एक्टिव हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर सहयोग करेंगे अयांश के जीवन को बचाने में। आपका छोटा सा योगदान किसी मासूम की जान को बचा सकता है। और जाती जाती मैं आपको अयांश के माँ बाप से भी मिलवाते जा रही हूँ। देखिए कैसे बेचारे वो परेशान हैं और लोगों की तरफ एक उम्मीद भरी नज़र से देख रहे हैं। मैं आलोक कुमार सिंह, मैं अयांश सिंह का पिता हूँ और साथ में मेरे पत्नी विजय सिंह। हमारे बच्चे को एक बहुत ही भयंकर बीमारी हुई है, इसको SMA टाइप 1 यानी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी कहा जाता है। इस बीमारी में बच्चे का स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरते जाता है। इस बीमारी में जो मसल्स होते हैं वो दिन पर दिन कमजोर होते जाते हैं और धीरे धीरे बच्चे को खाना निगलने में परेशानी होती है और सांस लेने में कठिनाई होती है और इसलिए बच्चे का जीवन 2 साल तक ही होता है। तो हमारे बच्चे के पास समय बहुत ही कम है, 10 महीने का अयांश हो चुका है। इसको आप लोग जितना जल्दी मदद करेंगे, मदद पहुंचाएंगे, उतना जल्दी इसका इंजेक्शन अमेरिका से मंगाना होगा और इंजेक्शन लगने के बाद ये हमारे आपके तरह ये हो जाएगा। तो आपसे विनती है, आप जहां भी हैं, जिस जगह हैं, वहां से आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, हमारे नंबर 9431089721 पे कर सकते हैं। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का बच्चे के नाम से ही खाता खुला हुआ है अयांश सिंह के नाम से, उस पे भी आप अकाउंट में डोनेट कर सकते हैं।